महाभारत की पांडव लोग को 12 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का गुप्त वनवास। तो इधर आए थे, खाना बनने की चूल्हा है डेवल्स किचन, उनका खाना पकाते थे पांडव लोग वनवास के लिए। हाँ, ऊपर बर्तन रखते थे, नीचे से लकड़ी लगा के जार लगाते थे पांडव लोग। लगाते थे ना वो पांडव लोग। ये देखो जानकारी सुनो, नीचे जो गांव दिख रहा है पूरा न्यू पाचगनी। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, सिल्वर रॉक्स पेड़ है। 18-19 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है, इसलिए 12 महीना क्लाइमेट स्वच्छ सुंदर रहता है इधर का। ये माउंटेन दिख रहे हैं पूरे, सह्याद्री माउंटेन, सह्याद्री रेंज बोला जाता है। ये माउंटेन के ऊपर जो गाँव दिख रहा है ना, वो बिलार गाँव है, किताबों का गाँव, किताबों का गाँव। हर घर में लाइब्रेरी उधर बिलार में। वो तारे जमीन पर फिल्म देखा है ना, तो ईशान का स्कूल दिखा था ड्राइंग वाला, वो बीच एंडिंग में भी देखे ना, वो भाग गए ना पंचगनी में। बहुत राजा हिंदुस्तानी की तो आधी शूटिंग पंचगनी में हुई, वो झाड़ वाड़ सब दिखा था जहाँ पे वो, और राजा हिंदुस्तानी में झाड़ दिखाई था ना। हाँ। वो झाड़ दिख रहा है ना झुका वाला। हाँ। वो झाड़े वो झाड़े में, और राजा हिंदुस्तानी फिल्म में वो रोमांटिक है ना बारिश में। पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ, पूछो जरा, पूछो क्या हुआ। का सेट लगाया था पूरा उधर। अच्छा, वो बाजीराव मस्तानी फिल्म देखा है ना। हाँ। और रणवीर सिंह जल समाधि लेते हैं लास्ट में पानी में। हाँ। पूरा उधर का ही शूटिंग है। वेलकम फिल्म देखा है ना अक्षय कुमार नाना पाटेकर का, लास्ट का ना लकड़ी का घर खाने में गिरता है, ये पेड़ दिख रहा है ना इधर सेट लगाया था। फोर बिल पूरे शूटिंग के पूरी। और गदर फिल्म देखा है गदर, और टांगा खड़ा है भारत पाकिस्तान बॉर्डर बनाई थी प्लेटो पे। वो मेला फिल्म में डाकू गुज्जर सिंह का अड्डा बनाया था, पूरा मेला लगाया था इधर। वो मेन पॉइंट है, शूटिंग पॉइंट, लाखों करोड़ रुपए के सेट लगाते इधर। हिंदी मराठी शूटिंग के लिए फेमस है, गाड़ी फेंकना बॉम्बलेस करता। ये साइड से पॉइंटों को भजन इधर से। ये देखो सर, गणपति विसर्जन लेके घर में छोटे गणपति लेके देना, उनको विसर्जन करती है लेकिन। पाचगनी बोले तो शूटिंग के लिए फेमस है सर, हिंदी मराठी शूटिंग के लिए। पूरा 6.5 किलोमीटर टेबल टॉप है। चलो चलो, बस बस बस, अब उतारो।
पीछे किधर उतर चला रहे हो? कॉर्नर में चले, लास्ट में, लास्ट में चलो बेटा, मैं भी लास्ट वाले पे ही बैठा हूं। हाय गाइस, हम घोड़े पे बैठे हैं, देख सकते हैं आप हमारा घोड़ा, वो खड़ा बन जाएगा बहुत जल्दी। पीटी लिखा ना, पीटी कैमल, वो पिकाचू।